कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये रिवील किया कि किस तरीके से साजिद खान के थ्रू से उन्हें एक मूवी के लिए ऑफर मिला, और तो और उन्होंने उस मूवी के ऑफर को ठुकरा दिया और कपिल शर्मा के शो में वापसी कर दी। अगर ये खबर कुछ हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि जो शो से आप खुद ही निकल चुके थे, कुछ एक साल का आपका इशू चल रहा था, इस शो के थ्रू से आप न्यू प्रोजेक्ट के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहे थे, आज एक अच्छे प्रोजेक्ट्स को छोड़ के आप फिर से वापसी क्यों किए शो में? जब फैंस के थ्रू से क्वेश्चन उठे, जब मीडिया ने क्वेश्चन किया, तब कृष्णा अभिषेक ने क्या रिप्लाई दिया है, आइए नजर डालते हैं पूरे इस वीडियो पे। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूज, मैं हूं आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूं कि कृष्णा अभिषेक जो कि रिसेंटली कपिल शर्मा के शो में काफ़ी ज़्यादा नजर आए हैं, एंड सपना ब्यूटी पार्लर के साथ सपना किरदार में जिस वे से लोगों को एंटरटेन करते हैं अपने फनी जोक्स मार के, कभी कभी तो पीजे जोक्स पे भी लोगों को हंसी आ जाता है, तो लोगों ने काफ़ी मिस किया इन्हें कि काफ़ी टाइम से ये कपिल शर्मा के शो से गायब थे। लेकिन जब आपको बता दूं कि लास्ट वीकेंड से ही कृष्णा अभिषेक ने ये शो पे वापसी कर लिया, और ये शो के वापसी करने के साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला और कहा कि सपना इज़ बैक, थैंक यू सो मच टू ऑल माई फैंस फॉर ऑल द लव दे हैड गिवन टू मी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कृष्णा ने एक इंटरव्यू के दौरान एक चीज़ रिवील किया कि ये कि शो के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से मैं एक साल तक दूर रहा, मैंने भी उनको उतना ही मिस किया जितना उन लोगों ने मुझे मिस किया, मेरे फैंस ने मुझे मिस किया। लेकिन इसी के साथ मैं आप लोग को बता दूं कि मैं कुछ न्यू प्रोजेक्ट की तलाश में था, कुछ पैसों के भी इश्यूज़ आ गए थे जिस वजह से मेरे शो से मुझे हटना पड़ा। अदरवाइज़ मुझे साजिद खान ने भी अपने जिस मूवी के बेसिस पे वो कभी काम करे, मुझे उस मूवी के लिए भी उन्होंने ऑफ़र दिया, लेकिन मेरे कुछ डेट्स ऑलरेडी फिक्स थे और मैंने ऑलरेडी एक चीज़ को कमिटमेंट दे दिया था जिस वजह से मैं उस चीज़ से हट नहीं सकता था। एंड किसी चीज़ को अगर मैंने कमिट कर दिया तो वो चीज़ करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बड़े प्रोजेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो प्रोजेक्ट अच्छा था, लेकिन मैंने वो प्रोजेक्ट मिलने से पहले किसी और चीज़ को हाँ कर दिया था। इसी वजह से साजिद खान के मूवी में मैं नज़र नहीं आने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे उनके साथ काम नहीं करना है, मुझे उनके साथ काम करना है, लेकिन किसी और रीज़न की वजह से मुझे उनके शो को ना कहना पड़ा। अगर आपको ऐसा झूठ लगता है तो आप उनसे ही पूछ लीजिए इस चीज़ों के बारे में। वैसे मुझे आपसे जानने का है, अगर नॉर्मली अगर किसी को हम भी अगर कोई वर्क कर रहे हैं, अगर हमें एक वर्क से दूसरे वर्क के लिए अगर अच्छा ऑफर आता है तो डेफिनेटली वी स्विच टू दैट बेटर जॉब। लेकिन फिर भी जब कृष्णा अभिषेक ने इस चीज़ के बारे में कहा, और उनके फैंस जो चाहते भी हैं कि वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में जाए, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को एंटरटेन करें, बहुत अच्छे चीज़ों में वो सामने आए हैं, और जिस वे से उन्होंने इस चीज़ को प्रेजेंट किया, इस पर आपका क्या रिएक्शन है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। क्या कृष्णा ने वापसी करके मूवी को छोड़ के अच्छा किया है, या कृष्णा वही जो चीज़ में उन्होंने फिट हो चुके थे वो चीज़ को कंटिन्यू करके अपना प्यार लोगों के लिए दिखाया है, ये अच्छा किया है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा कि कृष्णा अभिषेक ने जो डिसीजन लिया क्या वो सही था, या उन्हें सोच समझ के और थोड़ा फैसला लेना चाहिए था। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए फिफा फूज।